डायना इज जिस लाइक मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है. उन्होंने आके नॉट ओनली मेरे से मेरे पेरेंट्स को भी मिले, वो जोधपुर में यंगस्टर ही बोलेंगे अभी लेजेंड के साथ. अभी हम शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं, अगर हमने लॉन्ग टर्म सक्सेस होना है तो हमें अपनी नवी पनीरी को लेके आगे आके जाना. मैं सोच रहा था आप मेरे से सवाल पूछोगे छक्के कौन मारता, मैं अपना नाम लेता, आपने लिया ही नहीं, पर चलो कोई चक्कर नहीं. तो आज है जी हमारे साथ जसकरण पाजी. पाजी, लेजेंड लीग में खेलने का अनुभव कैसा है, बाकी प्लेयर्स के साथ, लेजेंड जो पास्ट प्लेयर रहे हैं इनके साथ कैसा चल रहा है? बढ़िया. अच्छा यार, मैं अभी आई एम वेरी रिसेंटली रिटायर्ड, आपको पता है 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने रिटायरमेंट ली है. तो एज कम्पेयर्ड मैं थोड़ा सा एज की साइड पे भी यंग हूँ, विच इज़ अ गुड एक्सपीरियंस यू नो, इनके साथ बैठ के इनके ब्रेन्स पिक करना, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ यंगस्टर लाइक मी. यंगस्टर ही बोलेंगे अभी लेजेंड के साथ. और अभी तो रहना है नहीं, लेकिन उनके कप्तानी में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त. मैं एक्चुअली पहले भी इंटरव्यू में बोला था रायना इज़ जस्ट लाइक मुझे फील ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है. उन्होंने आके नॉट ओनली मेरे से मेरे पेरेंट्स को भी मिले, वो जोधपुर में बड़े प्यार से बात करी, मतलब अपनापन, दैट्स व्हाई गॉड उनको यू नो गॉड हैज़ गिवन दैट रिस्पेक्ट. तो मुझे लगता है वो जो बड़े जितना बड़े होते रहते उतना वो झुकते रहते हैं. तो और अभी गुरकिरत आज कप्तानी कर रहे थे, उनकी कप्तानी में कैसा चल रहा है? मतलब अभी तो रहना बाजी है नहीं. नहीं, गुरकिरत बड़ा ज़बरदस्त यू नो एक्चुअली फन बात है कि मैं और गुरकिरत हम इकट्ठे बड़े हुए हैं. हम एक ही कोच के पास, हम वीर क्या बोलेंगे चड्डी बड्डीज बोल लो, सो हमारी हाइट भी सेम है, हम हैं भी उधर से एक ही जगह से. तो इज़ अ गुड गाय एंड शुरू से उसकी ब्रेन्स क्रिकेट में बड़ी वो थी, यू नो ही न्यू व्हाट ही इज़ डूइंग, सो आई एम हैप्पी वो अच्छा प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और अभी अमेरिका भी बड़ी अच्छी उधर से करती हुई आ रही है, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान को अभी हराया था, अब आगे का फ्यूचर अगर देखा जाए तो अमेरिका यूएसए की टीम कितना? देखो मैं इस चीज़ का अच्छा कर रही है टीम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब तक यंगस्टर्स और नहीं ना आएंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी अपनी एकेडमी है, मेरी एकेडमी में काफ़ी 70-80 बच्चों में से काफ़ी बच्चे हैं जो आई मीन हाफ ऑफ द बच्चे जो वहाँ के बॉर्न एंड रेज्ड हैं. जब तक वो आके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी हम शॉर्ट टर्म पर जा रहे हैं. अगर हमने लॉन्ग टर्म सक्सेस होना है तो हमें अपनी नवी पनीरी को लेकर आगे आके जाना. इनके साथ एक खेलने वाले हैं, बड़ा ही फन गेम, इनको हम एक पुल शॉट या जैसे कोई भी शॉट के बारे में बोलेंगे एक वर्ड, और इनको गैस करना होगा कि कौन से प्लेयर, मतलब जो भी आपके दिमाग में है वो करना है. पाजी, पहला पुल शॉट रोहित शर्मा. क्या बात है, मैं यही नाम एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर कोई और आता तो शायद दिल टूट जाता मेरा. लेकिन कवर ड्राइव विराट कोहली. क्या बात है, स्क्वायर कट शॉट वीरेंद्र सहवाग. क्या बात है, मेरे को लगा था शिखर पाजी का भी नाम आ जाएगा. स्ट्रेट ड्राइव सचिन. कमेंट्री रवि शास्त्री. लेजेंड. बेस्ट कैप्टन एमएस धोनी. थाला फॉर अ रीजन. बेस्ट फील्डर जॉन्टी रोज. करंट एरा में अगर जडेजा. फनीस्ट टीममेट जिसके साथ आप खेले हो लेजेंड लीग में भी या विपुल शर्मा. क्या बात है, आज तो गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी करी उन्होंने. फेवरेट प्लेस फॉर हॉलीडे. यार घूमा तो मैं बहुत हूँ ऐसे हॉलीडे, आई लाइक मेक्सिको में, क्योंकि वहाँ पे रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं, यूएस के पास है तो इजी हो जाता है मेरे लिए जाना. और फेवरेट फूड? फेवरेट फूड पंजाबी. पंजाबी दिल से पंजाबी है. पंजाबी प्योर पंजाबी. फेवरेट ऐसे कोई मोमेंट आपके क्रिकेटिंग? यार 6 छक्के ही मैं बोलूँगा, वो है ना मैंने एक्चुअली एक बार ही नहीं 2 बार ही मारे हैं. लोग सोचते हैं कि मैंने एक बार ही मारे हैं लेकिन मैंने मारे 2 बार ही हैं. तो मैं सोच रहा था आप मेरे से सवाल पूछोगे छक्के कौन मारता, मैं अपना नाम लेता, आपने वो लिया ही नहीं, पर चलो कोई चक्कर नहीं. अच्छा तो एक सवाल पूछ लेता हूँ, यूवी पाजी के 6 छक्के बेस्ट थे या फिर आपके? नहीं यार यूवी पाजी देखो उन्होंने वर्ल्ड कप में मारे थे, मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मारे थे, दोनों 6 छक्कों की वैल्यू बहुत बड़ी थी. और 6 छक्के तो गली में भी कोई मार दे तो उसकी भी बहुत बड़ी बात होती है. तो पर ऊपर वाले ने मुझे 2 बारी चांस दिया, बट आई एम थैंकफुल. चलिए तो ये थे हमारे साथ जसकरण पाजी, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके.